हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉकरी हाउ आर यू ऑल डूइंग आई होप ऑल यू यू आर आर डूइंग ग्रेट ऑल फाइन एंड सेफ तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड फ्लैट टुगेदर ठीक है ना ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यार अगर तुम्हें देखनी है कि लास्ट फिफ्टीन डेज में कैसे तुम फ्रॉम जीरो प्रेपरेशन कर सकते हो तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी कर दी अगर फॉलो करनी है तो कर सकते हो डे टू डे स्केड्यूल भी है उसके अंदर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब यहाँ पर जब मैंने वो वीडियो डाली तो बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि दीदी हमारे तो बोर्ड एग्जाम्स है हमारे तो प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो यार हम क्लाट की प्रेपरेशन कैसे करें बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब मुझे फील हुआ कि यार तुम लोग प्रॉब्लम में हो और तुम अगर प्रॉब्लम में हो तो मैं कैसे अपनी एडवाइस अपनी सजेशन नहीं दे सकती द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वी हैव विद ईच अदर तो लेट्स गेट स्टार्ट टुडे सेशन बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है सिंपली मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि तुम इस सिचुएशन में तो ये करना है इसमें हो तो ये करना है ठीक है लेट्स गेट क्या वेलकम टू आई स्टार्टे subscribe to logiri's youtube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos and i hope you're following us on instagram we're there by the name at i am logiri we do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy if you want to stay motivated and if you want to stay connected a little more with logiri then do follow us on instagram या देखो फॉर बोर्ड्स ठीक है कुछ बच्चे होंगे जिनकी बोर्ड्स की अच्छी खासी तैयारी है देखो यार तुम्हें अगर लॉ लौ, लॉयर ही बनना है मतलब 100 है कि यार मुझे तो बनना ही लॉयर है हंड्रेड परसेंट है थीके? कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि मुझे तो लॉ ही करनी है ठीक है तो तो यार अगर तुम्हारी मतलब तुम्हारी तैयारी इतनी है कि सेवेंटी टू एट्टी परसेंट बड़े आराम से तुम्हारे आ जाएंगे बोर्ड्स के अंदर फिर तो तुम टेंशन फ्री होकर अपनी क्लास की प्रिपरेशन कर सकते हो ठीक है ना या फिर जो मेन सब्जेक्ट्स थे ना मैंने वो कर लिए हैं बाकी सारे सब्जेक्ट जो आने वाला टाइम है मेरे पास तो अगर हो जाएगा ना तुम्हें अगर ये वाली सिचुएशन है फिर तो लगे रहो क्लाट की प्रेपरेशन कर जो कर सकते हो वो करो फिफ्टीन डेज के अंदर जितना टाइम दे सकते हो उतना दो यार अब देखो टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है मैं अपनी वीडियोज में कह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करो जिसके पास है वो उतना दो अगर कोई फिफ्टीन मिनट्स दे सकता है तो फिफ्टीन मिनट्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। वन आवर दे सकते हो वन आवर दो टू आवर्स टू आवर्स थ्री आवर्स जितना दे सकते हो उतना टाइम दो ठीक है ना अगर तुम्हारे ये वाला सिचुएशन है मे बी तुम स्कूल से छुट्टी लेकर बैठे हो तो तो फिर जितना मर्जी टाइम दो तुम स्कूल से हॉलीडे नहीं ले सकते भाई ऐसा स्कूल है सिचुएशन ऐसी नहीं ले सकते तो फिर वो तुम्हारी मजबूरी है उसके ऊपर टेंशन मत लो तुम्हें पता है तुम्हारे पास ना एक एनर्जी का मतलब भंडार तो है ठीक है बट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है और उस एनर्जी को तुम एक अच्छे उसमें लगाओ काम पे लगाओ तो बेटर है ठीक है अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो ये टेंशन लेकर कि यार मैं पढ़ नहीं रही हूँ ठीक है अगर नहीं पढ़ सकते और सॉलिड रीजन है उसका तो यार उसके बारे में सोचो ही मत राइट नंबर वन नंबर टू नॉट प्रिपेयर टू क्लाट तो यहाँ पर अगर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो जैसे कुछ बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि यार हमारा ऐसा सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है जो आने वाले वन मंथी ट्वेंटी डेज में भी प्रिपेयर नहीं हो सकता हम इतना पीछे हैं किसी सब्जेक्ट में तो हमें उसको पढ़ना पड़ेगा नहीं तो हम फेल हो जाएंगे ठीक है अगर वो वाली सिचुएशन है ऑब्वियसली तुम्हें बोर्ड्स में पास तो होना ही है ठीक है ना तभी तो तुम क्लाट के एग्जाम में यू नो क्वालिफाई कर पाओगे वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर ये सिचुएशन है तो ऑब्वियसली तुम्हें वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो टाइम बचता है तुम वो क्लाट को दे सकते हो राइट अब यार यहाँ पे क्या करना चाहिए देखो अगर तुम्हारी प्रेपरेशन ऐसी है अब यहाँ पे भी सिचुएशन होंगी ठीक है किसी की प्रेपरेशन ऐसी होगी कि भैया सिलेबस कम्पलीट है ठीक है हम मॉक्स वाली सिचुएशन पे तो ठीक है सिलेबस कम्प्लीट है मॉक्स वाली सिचुएशन में मॉक्स दो जब भी दे सकते हो दो घंटे का टाइम नहीं है तो थोड़ा थोड़ा सेक्शन वाइज करके मॉक्स दे लो जैसे भी जितना भी एडजस्ट कर सकते हो और अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई सिचुएशन कवर नहीं किया तो कमेंट करो आई विल रिप्लाई फॉर श्योर इंस्टा पे आई नो बहुत सारे यू नो मैसेजेस इकट्ठे हो रखे हैं बट यार कमेंट कर दो कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी यहाँ पे इंस्टा के भी मैसेजेस मैं जल्दी जल्दी से निकालने की कोशिश करूंगी ठीक है अब आपका सिलेबस खत्म हो, हो? हो गया एक तो मॉक्स करने हैं ठीक है अब यहाँ पर क्या फिफ्टी फिफ्टी पे हो कुछ सिलेबस हो गया है कुछ नहीं हुआ है तो कुछ का जो जो सिलेबस हो गया उसका सेक्शन वाइज मॉक्स देने लग जाओ जो, जो नहीं हुआ है उसका अगर कवर कर सकते हो तो कर दो ठीक है ना और अगर तुम्हें लग रहा है

बिल्कुल यार फिफ्टीन डेज में सेवेंटी एट्टी प्लस लेकर जा सकते हो उसको करके तो देखो बड़ा मजा आएगा एज अ चैलेंज लो इसको ट्राई करने में क्या जाता है कुछ नहीं जाएगा ठीक है और उसमें फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करे होंगे मैंने अब फिफ्टी फिफ्टी वाले हो गए कि यार फिफ्टी फिफ्टी अब तुम हो कि कुछ टॉपिक्स करें मतलब टेन ट्वेंटी परसेंट ही तैयारी है कि एक दो सब्जेक्ट्स करें या फिर एक ही सब्जेक्ट करें या दो सब्जेक्ट्स करें बाकी सब पढ़ें तो यार यहाँ पे देखो तुम सेक्शन वाइज मॉक्स लगा सकते हो बट जो तुमने नहीं कवर किया उसको कवर कर कर जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट काम करना पड़ेगा अकेले मार्क्स लगाकर कुछ नहीं होने वाला ठीक है थीके? तो जितना टाइम दे सकते हो उतना दे लो लो तुम्हारे पास सिर्फ है एक से दो हुए हैं दो पढ़े तो वन आवर के अंदर जितना पढ़ सकते उसको पढ़ लो, 15 दे उसका डे टू डे मत देखना शेड्यूल ठीक है तुम हो कि अच्छा ये ये करना है और फिर अपना एक बनाओ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हर हर पर्सन इज इन डिफरेंट सिचुएशन राइट तो अगर तुम्हारे तो मैं क्या कहना चाहती हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि यार देखो अगर तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें बोर्ड्स के लिए पढ़ना पड़ रहा है और तुम्हें क्लाट का एग्जाम देना भी है और तुम क्लाट के लिए नहीं पढ़ पा रहे हो तो डोंट वरी अबाउट इट तुम ऐसी सिचुएशन में हो तो हो जितना भी कर सकते हो उतना करो एग्जाम देकर आओ एंड लक पे छोड़ दो कि यार मेरा क्लियर होता है या नहीं होता हो टेंशन मत लो बिकॉज टेंशन लेने से आप अपनी एनर्जी ड्रेन आउट ही कर रहे हो कुछ फायदा नहीं होने वाला है जितना जो जितना पढ़ सकता है वो उतना पढ़े और पूरे कॉन्फिडेंस से एग्जाम देकर आए देखो यार अगर क्या पता तुम्हारी जो स्किल तुमने थोड़ी बहुत भी एक्वायर करी है वो एग्जाम में चल जाए एंड यू आर एबल टू गेट थ्रू राइट तो मेरा कहने का ये मतलब है डोंट 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 स्पेंड योर टाइम ओवर थिंकिंग अपनी स्ट्रेटेजी सुबआउट कर ही बनाओ कि यार इतना मुझे बोर्ड्स का कवर करना है इतना मैं क्लास का कर सकती हूँ एंड आई एम हैप्पी विद इट सिंपल ठीक है किसी और के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर मत करो दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से ठीक है, एग्जाम यार देखो आप ये एग्जाम आप लकी हो पता है? है, है तो सारे के सारे मोस्टली तो क्या ट्रेंड चलता है कि पहले एलेट या क्लाट में से एक एग्जाम हो जाता है फिर स्लाट होता है फिर एम होता, होता है और इसी के बीच में यू you know, नो हो जाता है क्राइस्ट का भी इससे पहले हो जाता है ठीक है तो क्या होता है लाइन में एग्जाम होते हैं मतलब गैप होता है सेवन एट टेन डेज का तो सीखने का मौका ही नहीं मिलता अपनी गलती रियलाइज ही नहीं होती यहाँ पे अब जो तुम फील करो फिफ्टीन डेज में एक्सपीरियंस करो कि क्या गलतियां थी अभी भी तुम्हें पता चल रहा है कि मैंने क्या गलती करी ठीक है ना पता चल रहा है ना उस गलती से सीखो ताकि जो ये आने वाले एग्जाम्स हैं इसके अंदर तुम अच्छा परफॉर्म कर सको तो अगर अगर क्लैट कुछ नहीं पढ़ पढ़कर तो मान लो कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है पंद्रह मिनट का टाइम भी नहीं है पढ़ने का फिर भी एग्जाम देने जाओगे तुम लोग राइट उसके बाद बिगेस्ट लर्निंग्स इफ यू आर एमिंग फॉर स्लैट स्लैटी ए आई एल एलईटी दैट इज द आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का एग्जाम तो आपको यहाँ से लर्न करने को मिलेगा कि यार मेरी क्या गलती थी ठीक है और सबसे बड़ी लर्निंग जो आपको मिली होगी अभी वो ये है कि मैंने करंट अफेयर अगर रेगुलर

मैं बता रही हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और तुम्हारे पास टाइम है दो से तीन महीने का इंप्रूव करने के लिए इवन आफ्टर बोर्ड्स बोर्ड्स ड्यूरिंग भी अगर आवर वन आवर्स वन तुम निकाल लोगे इन इन एग्जाम्स एग्जाम्स के लिए तो तो बहुत आगे चले जाओगे में तो इसलिए ये एग्जाम देना है क्या पता लक लग, लग जाए यार कुछ नहीं पता चलता क्या पता तुम्हारा कोटा जो है उसकी कट ऑफ नीचे चल जाए कुछ भी हो सकता है एनी थिंग कैन हैपन क्या पता एग्जाम इतना ईजी आ जाए तुम्हारे लिए वो बहुत ईजी हो राइट तो एग्जाम देकर आना है so guys, that's it for today's video. अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करना कमेंट डाउन बिलो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ बाकी जितनी भी वीडियो है उसकी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जैसे हाउ टू अटेम्प्ट और ये सब कुछ ठीक है साइनिंग ऑफ एल सी सून बाय टेक केयर